जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलाम्बलाम्बितांबुजंगतुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमड्निडाडवड्डमर्वयं चकारचण्डदानवं तनोदिन शिवाशिवम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। भोलेनाथ की अगर आप सेवा करते हैं, उनके मंत्रों जप करते हैं, जैसे आप भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं या नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं, ओम प्राणों जब लगाते हैं, तो हम एक तरह से ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, तो हम अपने देवों तक अपनी जो वाइब्रेशन है उसे पहुंचा पाते हैं। ब्रह्मांड में पटल में एक द्वार खुलता है, जहाँ से आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपके देवों तक पहुंच पाती है। आप बोलते हैं ना नमः शिवाय, मतलब आपने शिव को नमन किया। तो ओम नमः शिवाय जब हम मंत्र जपते हैं, नित्य जपते हैं, कई तरह से जप होता है। जैसे आप संकल्प लेके कोई जप कर रहे हैं, जैसे आपने संकल्प लिया कि आप 1,25,000 मंत्रों का जप करेंगे, या एक ये जप हो गया कि आप नित्य 5 माला करते हैं या नित्य 1 माला करते हैं, जितना भी आप कर पाते हैं, तो उस तरह से भी जप होता है। तो ओम नमः शिवाय का जब भी हम जप करते हैं, तो हमें जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं, तो हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। पहला तो यही है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता होती है वो दूर होने लगती है। आपके घर की जो नकारात्मकता होती है वो दूर होने लगती है, जहाँ पे आप बैठ के जप करते हैं, तो नकारात्मकता दूर होने लगती है जब भी हम भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप जपते हैं। और भगवान भोलेनाथ के मंत्र जपने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके कोई ग्रह खराब हैं, जैसे कोई भी ग्रह जो बुरा परिणाम दे रहा है, आप जानते भी हैं कि कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ ग्रह मारक होते हैं। जो योग कारक ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं जीवन में, जो मारक ग्रह होते हैं वो बुरे परिणाम देते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो ये ग्रह जो मारक होते हैं ये अपने प्रभावों को कम करने पे मजबूर हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होता है प्रभाव, ऐसा नहीं है कि आप जप करें तो जप से उनका प्रभाव ख़त्म हो जाए। प्रभाव ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जहाँ आपका हाथ कटना होगा वहाँ एक खरोंच से काम चल जाएगा। मतलब आपको कोई बड़ी मुसीबत, छोटी सी मुसीबत में आके चली जाएगी। तो ये होता है भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप करने से। अगर आप भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप करते हैं, तो आपको मृत्यु का भय नहीं रहता है। कुछ लोगों के जैसे मृत्यु का भय रहता है ना, उनको डर लगा रहता है मृत्यु से, तो ये डर जो है वो ख़त्म होने लगता है, मृत्यु का भय दूर होने लगता है जो भगवान भोलेनाथ की सेवा करने लगते हैं। उन्हें काल से डर नहीं लगता है, महाकाल बोलते हैं ना भगवान भोलेनाथ को, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि लोगों का जो डर होता है मृत्यु के प्रति वो दूर होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। आपके जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। जब वो बैलेंस होने लगते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो बीमारियां होती है, आपके जो कष्ट होते हैं, उनका निवारण होने लगता है धीरे धीरे करके। और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय जब आप करते हैं, तो जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं उतना करिए। 1,25,000 का जब आपका जब हो जाता है, तब आपको धीरे धीरे करके कुछ अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, आभास होना शुरू हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं। ये निर्भर करता है आपके तपोबल का, कि आपका तपोबल है कितना आप तपोबल कैरी करके लेके आएँ। क्योंकि जो तपस्या करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, तो हम अपना तपोबल बढ़ाते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। तो जन्म बदलने के बाद में, जैसे आप पिछले जन्म से जब इस जन्म में दोबारा जन्म लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैरी होती रहती हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं। तो इस पे निर्भर करता है कि आपका तपोबल है कितना, आप कितना तपोबल आपके अंदर पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से आपके मंत्र पे प्रभाव पड़ता है, वो उतनी ही जल्दी से तीव्रता से एक्टिवेट होता है और उसमें शक्ति आना प्रारंभ हो जाती है, जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। तो जितना आपका तपोबल होगा उतना ही आपका मंत्र प्रभावी तेजी से होगा। और मंत्र जप का क्या है कि जितना कम समय में जितना ज़्यादा मंत्र जपेंगे आप, उतना ही जल्दी फल आपको मिलता है। तो भोलेनाथ के मंत्र
जो लोग जपते हैं उनको ऐसे ही फ़ायदे मिलते रहते हैं, और बहुत सारे अनगिनत ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें एक ही वीडियो में मिला के बताना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से उन्हें अनुभव हुए हैं या उसका फ़ायदा मिला है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में कह ही नहीं सकते कि हमारा ये काम हो गया था, हमारा ऐसा हो गया था, हमारा वैसा हो गया था। तो भगवान भोलेनाथ से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिलता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।